आमिर करके इसका ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसका जैसे कंप्लेंट भी ऑलरेडी एसीपी को भी करे, भुजंगा राव साहब अभी आके गए हैं, और जैसे हमारे डीसी नरेंद्र गौड़ साहब को भी बोले और एमआरओ साहब को भी इसका कंप्लेंट करे हुए हैं। इसके पीछे कौन है कि इंशाल्लाह ताला कंपलसरी वो बाहर लाएंगे और जल्द से जल्द एक्शन लेंगे बोल के। कितने कब्रिस्तान थे साहब, कितने साल कदीम, ये पुराना कदीम है, अपन इतने होते बोल के नहीं बता सकते। ये कदीम कब्रिस्तान है, इसके अंदर जो है सो यहाँ पे जैसे छोटा सा गाँव है, यहाँ पे मुसलमान आज चंद थे, उनके हिसाब से वहाँ पे 20 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं, क्योंकि पुराना है, थोड़े है, थोड़े जैसे निशानियाँ हैं और पत्थर के निशानियाँ हैं। मालूम है कि हमारे लोग जैसे पक्का खबर नहीं बनाते, उसके हिसाब से खाली तख्तियाँ लगा हुए हैं, थोड़े जैसे पक्के भी है, पक्के रहे सो भी टूट चुके हैं। हम जो है सो आपका भी जो है सो आके जैसे पूरे जो है सो मुसलियाँ जितने भी मुसलमान आए मिलके जैसे आजू बाजू के महले वाले जैसा कि मूसापेट है, जनता नगर है, और जैसे हमारे हाउसिंग बोर्ड हैदर नगर, ये तमाम बस्तियों से पूरे जैसे यहाँ पे आके जो है सो अपने कब्रिस्तान की हिफाजत में लगे हुए हैं। तो कितने महले जात के यहाँ पे तदफीन होती है हमेशा दफनाते हैं? फिलहाल तो जो है सो ये कैतलापुर का ही है, कैतलापुर के लोग ही है, या हकीकत बताने का क्या, कैतलापुर गांव के मुकामी हैं, और जैसे बाजू में जनता नगर है और एक प्रगति नगर बोल के है, वहाँ से भी जैसे आके यहाँ पे दफन होते हैं। हाँ ले लिया, वो नया है, वो अभी स्थान है, कम से कम 50-60 साल पुराना कब्रिस्तान है, और कैतलापुर के लोगों इसमें यहाँ पर दफन है। एक ज़माने से कब्रिस्तान को आना जाना फातिहा रूप से पढ़ाती, यहाँ कुछ घर कम है, इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ यहाँ के लैंड ग्रैबर्स नुमाइंदा कारपोरेटर वहाँ का हरीश रेड्डी, उन्होंने जेसीबी लगा के कब्रिस्तान पूरा लेवल करने की कोशिश करे, और आज ये ज़मीन बहुत कॉस्टली ज़मीन हो गई, वो देख के उनको कुछ उनका दिल में कुछ नया कुछ आया क्या है कि, और कल यहाँ के मुकामी लोग जो सो दारुसलाम पहुँच के अकबर साहब से मुलाकात किए, और रजवी साहब MLC उनसे मुलाकात किए, राइटिंग में लेटर दिए वक्त वक्त को, और मुकामी यहाँ के इब्राहिम यहाँ के और जो नौजवान बच्चे हैं सब मिलकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब जवान रेड्डी साहब को कंप्लेंट दिए और पुलिस कंप्लेंट करे। सारे कंप्लेनों के बाद में इसका यह हल निकला है कि हमारे बशीर भाई हबीब नगर के सीनियर आदमी हैं, हमारे मोइस हैं यहाँ के, सब मिलकर यहाँ की कार्रवाई इस कब्रिस्तान की, हबीब नगर कब्रिस्तान की 2004 कार्रवाई करें, इसकी वक्फ बोर्ड में इसकी गजट है, और कलेक्टर साहब से मिलकर रुजू होकर उनको भी लेटर दिया, तो उन्होंने राइटिंग में ये ग्रेवाट पुराना ग्रेवाट है म्यूनसिपल को हैंड ओवर कर दो, बल्कि उन्होंने म्यूनसिपल को राइटिंग में लेटर दिया सो है कोटपल्ली डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब को,
तो सारे लेटर्स पूरे लेके आए, उसका जिराक्स आप लोगों को भी देंगे यहाँ पर, और इस हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन को भी लेटर दिया सर, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन कलेक्ट की जो सर, फिर उन्होंने भी कमिश्नर साहब को यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को लेटर दिया इसके बाउंड्री वाले बनाओ बोल के, पर आज तक इसके बाउंड्री वाले नहीं बना, कोई तवज्जो नहीं दिए डिपार्टमेंट वाले यहाँ के। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद में यहाँ के कुपटपल्ली के CI ACP अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि एक माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट चाह रही है कि माइनॉरिटीज़ को नज़दीक करो, मगर गवर्नमेंट के चाहते लोग जो है यहाँ के पूरे माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो अकबर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से मिलके इसके बाउंड्री वाल की कार्रवाई करना है, और पुलिस केस जो भी यहाँ के ऊपर इसको डिमोलिशन करने की कोशिश करें उनके ऊपर पुलिस केस करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्रवाई है बराबर एक्शन लेने के लिए असद साहब से हम नुमाइंदगी करेंगे। और हुआ तो अकबर साहब असद साहब को यहाँ पर ला के विजिट करेंगे, जहाँ भी चाहे कोई भी ग्रेवार्ड रहें दो, हिंदू मुस्लिम या ईसाई कोई सा भी ग्रेवार्ड रहें दो, उसके लिए हम बराबर आगे बढ़ के MIM पार्टी साथ चलेंगे साथ। तो कितनी खबरें इस वक्त में यहाँ पर? अभी 10 से 11 खबरें हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह यहाँ पर मुस्लिम आबादी कम है वो देख के खबरें और खबरें हल्ले हल्ले लेवल कर दे रहे लोगों, फिलहाल अभी 9-10 खबरें यहाँ पर है 50 से, और इंशाल्लाह अभी हबीब नगर मुसापेट जनता नगर जनता नगर जहाँ ज़्यादा आबादी है, इंशाल्लाह वो लोगों के लिए भी इसमें जगह कायम करेंगे। अलग अलग लेवल से।